नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, सफ़ीदों में चोर गिरोह सक्रिय था, लेकिन हाल फिलहाल में ही सिटी थाने के द्वारा एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था और खूब सारी बाइकें भी बरामद की गई थी। अब आज उसी क्रम में सीआई स्टाफ सफ़ीदों ने भी चार चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी की बाइकों को भी बरामद कर लिया गया है। अगली कार्रवाई के लिए उनको कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड उनका मांगा गया है। क्या कहना है, आइए जानते हैं विनोद कुमार जी से। 15 अगस्त पर जामनी मोड़ है ना, उसके प्रथम उचित चौक पे, वहाँ पे हमारे द्वारा ने गश्त ना सके बिना पर हमने एक लड़के को पकड़ा जिसकी बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। तो उससे पूछताछ करी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, भागने की कोशिश करा जिसको हमने भागने नहीं दिया, पकड़ लिया। तो उससे फिर गहनता से पूछताछ करी तो उसने बताया ये जो बाइक है ये चोरी की है। तो हमने इसका फिर रिकॉर्ड के मुताबिक पता किया तो चोरी की पाई, तो उसको बरामद किया और बरामद करके फिर इससे पूछताछ करी गहनता से। उस पूछताछ में इसने दो साथियों के नाम और बताए, एक नरेंद्र था और एक संदीप, जो एक संदीप इसी के गांव का है। हमारा पकड़ा गया उसका क्या नाम है? जो कल पकड़ा गया था धर्मवीर है, जो आज पकड़ा गया है नरेंद्र और संदीप है। कौन सा गांव है इनका? जो कल पकड़े गए धर्मवीर उर्फ मंबीरी, ये अमरावली गांव के हैं। ठीक है। और इनका एक गांव का एक लड़का और है संदीप उर्फ कणिया, ये भी इसी गांव का ही है। हाँ जी, एक नरेंद्र है जो बेरी खेड़े के हैं। इनको हमने, हाँ जी, आज इनको सुबह काबू किया था और इनके कब्जे से हमने 3 मोटरसाइकिल और बरामद किया। जी, तो अभी और इनसे रिकवरी की कराई जा सकती है? क्या लगता है कि वैसे इनसे पूछताछ अभी और कर रहे हैं, जो और कोई बात सामने आई तो वो भी आपको बताइए। हाँ, बाइक चोरी करते हैं ये जो धर्मवीर है, ये पहले भी बाइक चोरी की वारदातों में रहा है। कितनी बाइक चोरी की? पहले इन्होंने 12 तो पहले सीआईए वन में पकड़ाया था, वहाँ बरामद कराई थी इन्होंने जींद में, और 4 बाइकें इन्होंने पानीपत सीआईए में बरामद कराई थी। कहां केस है पहले? ये जो 4 बाइकें आपने बरामद की है, ये कहां से बरामद की है? कौन कौन से जिले से आपकी चोरी हुई है पैसे? ये बाइक है जी, एक तो हमारी पिल्लूखेड़ा थाने से रत्ताखेड़ा गांव से हैं, और एक असन थाने में पर्चा दर्ज है, और एक पानीपत कोर्टों से चोरी है, और एक ये गुगड़िया के खेतों में वहाँ चोरी है। सफ़ीदों में लगातार ये दूसरा बाइक चोर गिरोह पकड़ा गया है, तो इसे क्या पुलिस की मुस्तैदी के तौर पे देखा जाए? हाँ, इन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं हम और अफसरों के हमारे पर इस बारे में सख्त आदेश हैं भी, काफ़ी बाइकें चोरी हो रही है, इन पर निगरानी गंभीरता से इस मामले को लिया जाए। आगामी प्रक्रिया क्या रहेगी? आगामी प्रक्रिया इन पर पूरी इस तरह के वारदातों पर पूरी नज़र रखी जाएगी और इन पर और मेहनत की जाएगी। तो अभी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड भी लिया जाएगा, कैसे रहेगी अगली कार्रवाई? हाँ, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे और पूछताछ की जाएगी। हाँ जी।